Good morning, guys. Welcome back to my channel. I hope you all are well and doing good. So, guys, बहुत ठंड आ गई है. सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है. अभी मैं एकदम फ्रेश फ्रेश होकर बैठी ना, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. मैंने बस जैकेट वैकेट पहन के मैं बैठ गई. ऐसे फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर. मैंने बोला ही था कि मैं आऊँगी तो मुझे फिर से जल्दी जाना ही होगा, बहुत सारा मुझे काम है वहाँ पर. तो बस गाइस, मैं रेडी हूँ. अभी मैं थोड़ी देर बाद निकलती हूँ. तो मिलते हैं नेक्स्ट मम्मी के घर में. तो गाइस, मैं आ गई मम्मी के घर. तो मैं आई तो मैंने देखा कि मेरी आंटी आई हुई थी एंड उनके बच्चे एंड सब लोग थे. तो वो लोग सब बालकनी में बैठ के धूप ले रहे थे. तो ना, हमारे अपार्टमेंट के सी ब्लॉक में मेरे मामा का घर है, तो मैं वहाँ भी गई थी. ये लोग सब वेकेशन में आए थे अपना घर, मेरे कज़न, ब्रदर एंड सिस्टर, एंड ये डग्गू है. हेलो गाइस, वेलकम टू माय सिस्टर ब्लॉग्स. आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. थैंक यू. सो गाइस, हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं खेलने बैडमिंटन. चलिए. चलो हम लोग बैडमिंटन खेलने चलते हैं. आई यू सर? सर हम लोग उतरी. देन हम नीचे आ गए बैडमिंटन खेलने. एंड गाइज, आप नेक्स्ट मेरे ब्रदर का वॉइस सुनो, ही इज आवर अपकमिंग यूट्यूबर. सो गाइज, देखिए ये लोग खेल रहे हैं. गाइज देखिए, ये लोग दोनों को नहीं खेलना आता. गाइज इसको देखिए. गाइज इसको मेन कॉकी नहीं मारना आता है. ये कैसा बात हुआ, बैडमिंटन खेल लिया, कॉक नहीं मारना था. ये मारा पहले. दीदी ने आउट कर, दीदी आउट हो गई. सेकंड ट्राई. ये इसको खेलना सच्ची में नहीं आता. ये लड़की को एकदम नहीं खेलना आता. हमको बोल दे कि हमको. देखिए देखिए गाइस, ये लड़की है, एकदम नहीं खेलना आता. इसका नाम है आयुषी हेला. वो भी ठीक ही बोल रही है. देखो अब ये दीदी ने मिस कर दिया. ये क्या मार रही हो? चलो चलो, खेला कंटिन्यू करो. एक कॉक आया, मारा. ओ अब गाइस हो रहा. लेकिन ये दीदी का हाथ में एकदम दम नहीं है. ये दीदी पता नहीं क्या करना चाह रही है. हम लोग खेल के आगे बैडमिंटन. अभी खाना खाने के बाद फिर जाएंगे हम लोग खेलने. कौन कौन जाएगा फिर खेलने? कौन नहीं जाएंगे? यू डोंट नो हाउ टू प्ले. या आई डोंट हाउ टू प्ले. अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं अपना दीदी का घर. वहां पे जा रहे चिकन खाने. नहीं डरी, बोले पोपट हो गया. चलो छोड़ो, मूड खराब. दिन हो गया था फ्रेंड्स. फिर हमने लंच किया. लंच करने के बाद सब बैठ गए थे, मेरी शादी का वीडियोस देख रहे थे सब. हाँ
आज एक जगह चक्कर लगा रे तुम लोग आए हैं ना रे। अरे हमारे साड़ी भूल गए यहाँ लाए और इसी चल गए यार अच्छा नहीं लगा था मोरिन छोड़ दे मेन बदमा पहने कपड़ा रहना सर दिल से तारा रंगीला तारा रंगवेर जे तारी बात। सो गाइस वीडियो का तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ही ग्लिम्स ऑफ एंड ऑल रिकॉर्ड करके मैंने अपलोड कर दिया, मतलब व्लॉग बना दिया। एंड देन फ्रेंड्स हमने ये बैठ के देखा, पूरा शाम हो गया था एंड उसके बाद तो कुछ और ऐसा था नहीं, तो नॉर्मल था सब कुछ। तो बस नेक्स्ट डे हो गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे ना मेरे ये काका हैं जो आए थे, वो शादी एंड ऑल का सारा शूटिंग जो संगीत एंड ऑल होगा ना उसका प्रिपरेशन करने, मेरे काका भी हैं एंड प्लस ही इज़ अ वेडिंग प्लानर, ये वेडिंग प्लानर भी है। तो हम लोग का शादी एंड ऑल, जैसे मेरा भी शादी हुआ था तो उन्होंने ही फुल्ली किया था सब कुछ एंड अभी भैया का भी वही कर रहे सब कुछ। तो बस वही आ गए थे तो मैं उनके साथ सब संगीत का सबको वीडियोज एंड ऑल एडिट एंड ऑल कर रही थी सब। तो बस वही हो रहा था। साठ से पापा बोले से तुम का लाइक लिए 1260 से पटाखा। अच्छा ठीक है छोड़ हम देख लेंगे फिर। तो गाइस सारा डिस्कशन एंड ऑल हो गया था एंड शाम भी हो गया था, तो हमने सोचा चलो आंटी आई हुई है तो थोड़ा
इवनिंग वॉक पे चलते हैं एंड हमारे घर के ऑपोजिट ही हम निकले थे इवनिंग वॉक के लिए एंड वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना का सारा स्टॉल एंड ऑल भी लगता है, तो हमें स्ट्रीट फूड टेस्ट करना था। ये वेदर में तो स्ट्रीट फूड एंड ऑल बहुत अच्छा लगता है ऐसे ओपन ओपन में खाना। तो बस हम निकल गए घर से, तो हम लोग चार लोग ही गए थे फ्रेंड्स थोड़ा इवनिंग वॉक करने एंड स्ट्रीट फूड खाने। तो ये हम सबसे पहले स्ट्रीट फूड में इट्स आर फेवरेट पुचका, जहाँ भी जाते हैं हम सबसे पहले पुचका ही खाते हैं, इट्स लाइक पुचका इज़ मैंडेटरी। तो हमने पुचका खाया, देन यहाँ पर ये आजकल बहुत फेमस चल रहा है ये पाव कबाब एंड ये मोमो हाउस का ये स्टॉल लगता है एक, तो मैंने वहाँ से ये गोंधराज मोमो लिया अपने लिए एंड देन ये कबाब के स्टॉल से हमने कबाब लिया, वाइट कबाब, ग्रीन कबाब एंड और भी सब कुछ। इस ये वेदर में तो स्ट्रीट फूड खाने का अपना अलग ही मज़ा होता है। एंड गाइस फिर हम निकल गए घर के लिए वॉक करते करते, तो हमारी ये मंदिर है इसमें मैंने देखा भगवान का इतना क्यूटली सारा ड्रेसेस पहनाया गया था एंड कलर वॉज सो ब्यूटिफुल, तो बस मैंने वही रिकॉर्ड किया कितना ब्यूटीफुल लग रहा था ये कलर का ड्रेस भगवान लोगों का। सो गाइज मैं ये वीडियो यही एंड करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।